अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि सब खैर कैसे होंगे। मेरे ब्लॉग का स्टार्ट ले लिया जी। हम लोग जा रहे थे विलेज, आप देख सकते हैं कि मैं अपने हाथों की वीडियो शूट कर रही हूँ। अब भी मैं आपको गांव के खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगी। और आज हम गए थे जी नानी के घर, मुझे वहाँ कोई काम था मामू के पास, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। वो बस मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मुझे लगता है कि विलेज की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी। देख सकते कितने प्यारे नज़ारे हैं, व्यू हैं। सही कहते हैं जी, पिंड जैसा नज़ारा किसी जगह नहीं है। इधर आके ऐसा लग रहा था जैसे हम पेरिस आ गए हैं या फ्रांस आ गए हैं। ये जो नज़ारे थे, ये व्यू थे, ये सब्ज़ सब्ज़ जो फसलें थी छोटी छोटी, और जो आगे पीछे हरियाली थी, ये तो फ्रांस और पेरिस को भी पीछे छोड़ रही थी। और इतना खूबसूरत व्यू, मुझे मैं काफ़ी अरसे के बाद गाँव गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और मैं बना रही थी वीडियो शूट कर रही थी बार बार। मैंने कहा मेरी अब यूट्यूब फैमिली भी देखेगी, आज जैसा दी अब भी सैर सपाटे थे गई है। बीच मेरा दिल था कि यहाँ से मैं साग तोड़ के लेके जाऊँ, पर नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि साग किस तरह का होता है, या इतना पता नहीं था। फिर मैंने साग वगैरह तो नहीं तोड़ा। ये देख सकते कि हर तरफ आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। अभी जी मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगी थी, हमने जी एक और न्यू होंडा गाड़ी ली है, और जिसकी मैं करने लगी थी थोड़ी सी वीडियो शूट। पहले हमने ली थी वाइट कलर की, अब हमने ली है जी मैरून कलर की। जो वाइट कलर की गाड़ी थी वो जी हमने पीछे गाँव भेज दिया, और अपने लिए हमने लिया मैरून कलर की। दरअसल मुझे वाइट कलर इतना पसंद नहीं था, फिर हमने सोचा कि मैरून कलर की गाड़ी ले, और सब ने देख के माशाल्लाह बोला है, माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमारी गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही प्यारी और बिल्कुल न्यू चमक चमक वाली गाड़ी हमने बिल्कुल न्यू ली है। ये नहीं कि यूज़ हुई भी, बिल्कुल न्यू मॉडल है और न्यू गाड़ी है। देख सकते हैं कि किस तरह वो चमक रही है। देखिए जी व्यू और आसमान का व्यू। बारिश का मौसम था, बारिश तो नहीं बनी हुई थी पर ऐसे बादल छाए हुए थे, ऐसे लग रहा था कि बारिश होगी। और मेरा ज़रा जाने का दिल नहीं था, मेरा दिल था कि बस मैं वीडियो शूट करती जाऊँ करती जाऊँ। गाँव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। ये जी है स्कूल, या ये जी लड़कियों का स्कूल, या जो देहात की लड़कियाँ हैं वो इधर पढ़ने आती हैं, और इतनी अच्छी ज़िंदगी है ना। मैं कहती हूँ कि ये ज़िंदगी किसी चीज़ के साथ बंदा इसे मिला नहीं सकता, कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है। बस अभी जी आगे से आ रही थी गाड़ी, मैंने सोचा कि वो लोग बोलेंगे पता नहीं ये क्या कर रही है। तो अभी जी देखिए आप हमारी गाड़ी, और सामने माशाल्लाह बोल देने, अल्लाह पाक हमें ये नसीब करे और बुरी नज़र से बचाए, हसद की नज़र से बचाए। अभी जी ये स्कूल था और आगे पीछे इसके ज़मीनें ज़मीनें थी। मुझे गांव की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जिस जगह पर इंसान का घर हो और आगे पीछे जी खुली ज़मीनें होती हैं। आज जी आपके आप ही ने पहने हुए थे ऑरेंज कलर के शूज़, अभी 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 बैठने लगी थी गाड़ी में, और मेरा जरा पर्स है लेट के कर दिया बस आराम। मैं क्या अच्छी बात है, तू कर ले आराम और मैं करूँ काम, वही बात होगी। अभी जी बस मैं अपने कभी पाँव की कभी हाथ की वीडियो शूट कर रही थी, और बार बार बस मैं व्यू की वीडियो शूट कर रही थी। आगे पीछे जो हरियाली थी, ज़मीनें थी, कुछ फसलें थी, कुछ लोगों ने साग लगाया हुआ था, कुछ मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये क्या क्या चीज़ें थी, पर जो भी थी मैंने सब के लिए जो है शूट कर ली है। अभी जी इन गाँव वालों की छोटी सी सिटी आने लगी थी, जहाँ मेरे नानके मेरे मामू हाला लोग, जहाँ से जिसे अंडा वगैरह बोलते हैं, जहाँ से चिकन सब्ज़ी फ्रूट मिल जाता है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। कोई बिल्कुल छोटा सीन की सिटी है जहाँ से थोड़ी बहुत ही चीज़ें ये कैरी कर सकते हैं। अभी ये बकरियाँ और नज़ारे, अभी मैं जब व्लॉग में एडिट कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो पता नहीं मुझे रियल में कितना अच्छा लग रहा होगा। दरअसल मैं काफ़ी बहुत गई थी, जब काफ़ी अरसे के बाद इंसान जाए तो इसी तरह जे मनू आ गया सी प्यार। अभी जी मैंने हस्बैंड के हाथों पे हाथ रख दिया था, आज मुझे प्यार, मैंने कहा चलो आपके हाथ को मैं सुला दूँ। ये मेरी थोड़ी वीडियो शूट कर ली थी, मैंने कहा मेरी यूट्यूब फैमिली बोलेगी फल्ला आपकी केटी भी शेर है, मैं सीन दिखे सब। आप लोगों ने गलत नहीं सोचना, वैसे मैंने जो है व्लॉग में शूट कर ली। जेक जा रहा था लड़का, पता नहीं मुझे ना पागल सा लग रहा था जो भी था, पर ये भी मोबाइल पर लगा हुआ था। गाँव के लोगों में भी बहुत ज़्यादा जो है अक्ल आ गया, हर घर में डिशें, घर अच्छे बन गए हैं। वो पहले घर जो है ख़त्म हो गए, जैसे लोगों के कच्चे मकान होते थे, कच्ची छतें होती थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब जो भी आप घर देखेंगे सब आपको कोठी कोठी नज़र आएगी, पक्के मकान नज़र आएंगे, और सड़कें पक्की। हाँ जी माशाल्लाह से गैस भी लगी हुई है। ऐसे हमारे जिले में कुछ इलाकों में गैस नहीं है, सब जो टोन है सेटेलाइट टोन है कैंटा जिस जगह हम रहते हैं उधर गैस, वो इलाकों में गैस वगैरह नहीं। पर इधर ही गाँव की बहुत अच्छी बात है, इनकी गैस लगी हुई है। दरअसल ये पिंडी के करीब है, मंदरा के करीब गाँव है, तो इधर गैस वगैरह हर चीज़ की सहूलत है, शहर की तरह ही बांध के। ये देख सकते हैं जी प्यारे प्यारे घर और प्यारी प्यारी ज़मीनें।
अभी जाके से आ रही थी गाड़ी और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। दरअसल जब पता है आपको बंदा व्लॉगिंग करे तो कैमरे को दूसरी तरह उठाना पड़ता है, तो जिसे ना भी शक हो उसे भी पता चल जाता है कि जी कोई बंदा वीडियो शूट कर रहा है। मैंने कहा लो कहा जी एक और बड़ी कैमरे मैन आ गई, मैं छोटी सी यूट्यूबर। आप समझ सकते हैं कि आपकी आप ही छोटी सी यूट्यूबर है, बस छोटे छोटे व्लॉग बनाती है। जैसे मुझे आइडिया इस तरह बना लिया, ये जी आ गया था लड़कों का स्कूल, यहाँ मेरे ख्याल में लड़के स्टडी करते हैं। कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन नहीं है, अब तो कहते हैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में भी अच्छी एजुकेशन है। ये जी प्यारी प्यारी ज़मीन और हरियाली, मुझे अभी तक याद आ रही, मेरा दिल कर रहा है कि अभी फिर चले जाओ फिर वहाँ व्लॉग शूट। मेरा दिल था कि मैं पिक्चर वगैरह बनाऊँ, पर मेरे हस्बैंड में एक पिक्चर भी मेरी शूट नहीं की। मेरा दिल था कि मैं हरियाली में खड़ी हूँ, वो कहते कि तू पुराने ज़माने जैसे वो पहले पहले जो दूल्हे होते थे, नई नई शादियाँ होती थी लड़की और लड़के की, तो वो कोई ज़मीनों में लेट जाते थे, कोई पोज़ बनाते थे, कोई टेढ़े खड़े हो जाते थे ज़मीनों में हरियाली में, तस्वीरें बनाते थे। तो मेरे हस्बैंड ने ओ तू पुराने ज़माने इलेक्शन मार ले, ज़मीन खलो जा, सरसों चे लेट जा, तस्वीरें बना। मैंने कहा मैं भी तो पुराने ज़माने की हूँ। ये जी बस अभी हमारा सफ़र रह गया था थोड़ा सा, और तरफ हरियाली हरियाली। ये जी है आपकी, आप भी अक्सर मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जी अपना फेस नहीं दिखाते, अभी आप थोड़े से मेरे हाथ देख, थोड़ी सी मेरी आंखें देख, अभी जी मनु फिर आ गए प्यार में, हथा दे हाथ रख ले। अभी जी मैं कोई गाना भी गा रही थी, पर वो दसा मैं यूट्यूब में नहीं बता सकती, कॉपीराइट आ जाता है। गाना बड़ा अच्छा लगा हुआ था, अभी तो वॉइस ओवर कर रही थी तो गाड़ी में बहुत अच्छा म्यूज़िक लगा हुआ था, जिस वजह से आपकी आप ही को जो रोमांस आ गया था, तो इसी याद हो गया सदी आप ही बड्डी बेशरम है। ये जी कब्रिस्तान था आगे पीछे जहाँ, ये जी छोटी सी शॉप थी, इसे किराना स्टोर भी कह सकते हैं, जहाँ से लोग चिप्स वगैरह या इजी लोट इस तरह की चीज़ें मिल जाती होंगी। अभी जी बस हम थोड़े से दूर थे जो इनका अड्डा है, उसके बाद हम मेन जीटी रोड पे आ जाएंगे और देख सकते हैं कि ज़िंदगी असल में यही है, शहर की कोई ज़िंदगी नहीं है, तंग घर तंग गलियाँ। शाह हम लोग बैरिया में रहते हैं, बस हर वक्त घर के अंदर कैद रहते हैं। मेरी अंदाजे में लाइफ है तो वो गाँव की है, और बहुत अच्छी गाँव है, लाइफ है, जिसने इंजॉय करना हो या घर बनाना हो, मेरा आइडिया कि वो गाँव में घर बनाए, शहर में कोई फ़ायदा ही नहीं है।